हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ जर्नी हिना में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा अभी छोटा सा सेकंड होम बना है 700 स्क्वायर फीट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फिलहाल शॉप बनाते बनाते हाउस बन गया है और अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी। वैसे पूरा अभी ये तैयार हुआ नहीं है, मतलब अब इसका आधा काम बाकी है। तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल बाहर का पिलर बन गया है और ये है व्हीकल रखने का एरिया पूरा। और यहाँ पर ये है हॉल है, ये पूरा फर्स्ट विंडो है यहाँ पर। और जस्ट पास ही देख सकते हैं यहाँ पर LCD पैनल बनेगा और यहाँ पर गेट है और जस्ट यहाँ पर सिंक लगेगा वॉश बेसिन का। और यहाँ जस्ट इसके पास ही वॉशरूम है और लेट बाथ दोनों शामिल ही है। और इसके जस्ट पूरा ये हो गया हॉल और साथ ही यहाँ पर इसका स्टोर दिया हुआ है। स्पेस था तो यहाँ पर कुछ रखने का सामान हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर थोड़ा स्पेस निकल गया तो यहाँ पर वार्डरोब बन जाएगी ताकि अच्छे से सामान व्यवस्थित हो जाए। तो फर्नीचर में इसको पैक करवाना। और ये ऊपर के आप देख सकते हैं पूरा रैंप वगैरह बनाए हैं यहाँ पर। और जस्ट ये ओपन किचन तो यहाँ पर भी सेम ऐसी ही विंडो दी है और जस्ट ये है पूरा किचन है। इसमें भी L शेप का ही प्लेटफॉर्म बनेगा और जस्ट यहाँ पर नल का दिया हुआ है कनेक्शंस। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुंदर सा बना हुआ है। और जस्ट इसके ये देख रहे हो बच्चे दोनों मस्ती कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ पर है ये रूम और बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा पीछे की तरफ रूम है। और यहाँ पर एक विंडो दिया है, ये इसके यहाँ पर पूरे पट्टे जो है वो निकाल रखे हैं बैंड ऊपर से। और अभी तो बहुत सारा काम बाकी है बट जो प्लास्टर का जो काम होता है वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब फर्श और गेट और सारा काम जो डेकोरेशन का वो काम है वो सारा अभी इनकम्प्लीट है। अब जस्ट इसके बाद ही ये काम होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा व्हीकल का एरिया, पार्किंग एरिया जो भी बोल सके, दो यहाँ पर टैंक बने हैं, एक वाटर टैंक और एक वॉशरूम का। और जस्ट इसके पास ही ये भी फर्नीचर से जूता स्टैंड से पैक हो जाएगा। और इसका यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ है। उसके जस्ट ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर वो पूरी लगेगी इसकी रेलिंग जो होती है, उसकी स्टील में लगाएंगे या फिर किसकी लगाएंगे वो भी डिसाइड करेंगे। और ये छोटा सा सुंदर सा हमारा होम बन चुका है। अभी इसको कम से कम 3-4 या 5 4 महीने हो, 4 मंथ तो हो ही गए हैं। अब 2-3 महीने और में ये कंप्लीट हो जाए, मतलब 7 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये हमारी छत आप देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला फ्लोर है वो हमारा यहाँ से दिख रहा है जहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, ये वाइट वाला। तो यहाँ से पूरा इतने ही दूरी पर ये है। और ये बाहर पूरा छत का जो आकाशिया बोलते हैं उसको, ये पूरी छत है। और यहाँ पर अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सी डिज़ाइन लगाएं आगे वाली। और यहाँ पर जस्ट गुप्तेश्वर जी का पहाड़ जो है वो घर से थोड़ा सा है, ये बिल्कुल सामने ही दिख रहा है जस्ट। तो आपको होम कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और भी मैं आपके लिए ऐसी न्यू व्लॉग लेके आती रहूँगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।